दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप व्हाट्सएप के होम स्क्रीन को चेंज कर सकते हो, यानी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर अपना फोटो कैसे सेट कर सकते हो जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो मैंने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर फोटो सेट कर रखा है जो कि देखने में काफी ज्यादा मजेदार लग रहे हैं। सेम इसी तरह आप भी व्हाट्सएप के होम स्क्रीन को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप अपना फोटो सेट कर सकते हो, वॉलपेपर सेट कर सकते हो या किसी और का फोटो लगा सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी देखेगा वो एक बार जरूर चौंक जाएगा, आपसे पूछेगा कि यार भाई कैसे आपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन को चेंज किया है, कस्टमाइज किया है। तो इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। और गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे मुझे ये पता चलेगा क्या कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आपको सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करना है, आपको जाना है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको थ्री डॉट पर टैप करना है, सेटिंग्स को ओपन करना है। अब आपको यहां पर चैट मिलेगा, आपको चैट्स को ओपन करना है। आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा थीम, आपको इस पर टैप करना है। और दोस्तों आपको व्हाट्सएप में डार्क मोड को इनेबल कर देना है, ठीक है, आपको यहां से डार्क मोड को इनेबल करना है, आपका जो व्हाट्सएप है वो डार्क हो जाएगा। इसके बाद आपको व्हाट्सएप को बंद कर देना है। अब आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है डिजाइनर टूल्स, ठीक है, आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 4.1 की काफी अच्छी रेटिंग है और दोस्तों काफी छोटा सा एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो 5.5 MB का छोटा सा एप्लीकेशन है, आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको सेटअप करना है। अब आपको वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है, आपको सिंपली एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे आपको यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। नीचे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, कलर पिकर, ग्रिड ओवरले, मॉकअप ओवरले, आपको मॉकअप ओवरले पर टैप करना है, ठीक है। आपको यहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। हमारा जो फोन होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है, ठीक है, आपको पोर्ट्रेट पर टैप करना है, ठीक है, आपको इस वाले बॉक्स पर टैप करना है, परमिशन को अलाउ करना है। अब दोस्तों आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी, आपको यहां से उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिसको आप व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर सेट करना चाहते हो, आपको यहां से उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों हमने फोटो को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको मॉकअप ओवरले को इनेबल करना है, आपको मॉकअप ओवरले को इनेबल करना है, आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। अब आपको बैक आना है। दोस्तों अब आपको यहां पर सेटिंग पर टैप करना है, ठीक है, आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपेसिटी। दोस्तों ओपेसिटी 70% पर सेट है, आपको इसको 100 कर देना है, ठीक है। आप बैकग्राउंड को कितना डार्क रखना चाहते हो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो हमने इसको 100% पर सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद दोस्तों आपको स्लाइड करना है और आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा मॉकअप ओवरले, हाइड स्टॉप। अगर आप हाइड करना चाहते हो, फोटो को हटाना चाहते हो, तो दोस्तों आप इसको यहां से हाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह आप हाइड कर सकते हो। अब आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है, आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। अब दोस्तों आपको इसको इनेबल करना है, ठीक है, शो कर देना है। अब आप यहां पर देखोगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो व्हाट्सएप का होम स्क्रीन चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड में फोटो शो हो रहा है जो कि देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह आप भी अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप अपना फोटो सेट कर सकते हो, वॉलपेपर सेट कर सकते हो या किसी और का फोटो लगा सकते हो। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।